गुड मॉर्निंग हिमाचल, आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। चीन से खूनी झड़प में जख्मी ऊना का लाल, लेह लद्दाख के अस्पताल में चल रहा इलाज, परिवार बेहाल। रिकांगपियो में युवा कांग्रेस ने किया वीर जवानों को नमन, निहत्थे सैनिकों पर हमले पर चीन को लगाई फटकार। लाना चेता खेरी मार्ग बंद, किसानों को मंडियों तक माल पहुंचाना हुआ कठिन। नाहन पर प्री मॉनसून ने बरसाया प्यार, मौसम कूल कूल, 60 डिग्री तक गिरा पारा। गांधी के बर्थडे पर पोंटा में युवा कांग्रेस ने छेड़ी मुहिम, गरीबों को बांटा राशन। अब समाचार विस्तार से। भारत चीन की सीमा गलवान में हुए विवाद के बीच जहां 20 जवान शहीद हुए हैं, वहीं ऊना का एक जवान घायल बताया जा रहा है। सूचनाओं के अनुसार इस जवान का इलाज लेह लद्दाख के अस्पताल में चल रहा है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि न होने के चलते परिवार का हाल बेहाल है। माता पिता व जवान की पत्नी को सेना अधिकारियों से बेटे की कुशलता का इंतजार है। जवान के परिजनों की माने तो उन्हें किसी से बेटे के गंभीर घायल होने की सूचना मिली है, लेकिन सेना द्वारा परिवार को कोई जानकारी नहीं दी गई। वही डीसी ऊना ने कहा है कि अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, जानकारी जुटाई जा रही है। बता दें कि शहर के वार्ड नंबर 1 का सर्वजीत सिंह भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट में तैनात है, वह चीन बॉर्डर पर तैनात है। सर्वजीत सिंह के पिता सतनाम सिंह भी पूर्व सैनिक हैं। जिलाधीश ऊना संदीप कुमार ने बताया कि सेना के अधिकारियों से बात की जा रही है। सर मेरे को किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मेरे को किसी भी तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन लगी है कि जो परसों जो 15 तारीख को रात को फाइट हुई है, 20 जवान शहीद हुए, जिसमें 3 जवान मेरी पलटन के थे और मेरे बेटे के साथी थे, और मेरे और लेकिन मेरा बेटा उसमें उसी ट्रुप में था और बेटा मेरा जख्मी हुआ, मार के फेंक गए, उसको कोई होश नहीं थी। अभी वो हमें ये पता चला किसी से कि वो लेह लद्दाख हॉस्पिटल में जख्मी पड़ा है, उसकी उंगलियां तोड़ दी गई हैं और उसका दिमाग में बहुत गहरी चोट मारी गई है। लेकिन मेरे को अफसोस ये है, मैं भी फौज की नौकरी करके आया हूँ, मैं श्रीलंका की लड़ाई लड़ के आया हूँ, अपनी पलटन में मैं बच्चे को भेजा, लेकिन इतना भी नहीं पलटन ने किया कि मेरे को उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाए कि आपका बेटा घायल है, इतना रोका जी। अभी एक सिपाही हैं सरबजीत सिंह, उनके पिताजी जिनका नाम सतनाम सिंह जी है, उनके साथ मेरी अभी बात हुई है। उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया है कि उनका जो बेटा है, उनकी जानकारी के अनुसार या उनकी जो असेसमेंट है कि वो इंजर्ड हुआ है, उसके अकम्प्लिसेस जो हैं वो उनका मार्टिर हो गया है वहाँ पर। तो अभी जैसे ही मेरे साथ ये जानकारी उन्होंने शेयर करी है, तो मैंने अभी जो आर्म्ड फोर्सेस के सक्षम अधिकारी हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाया है कि ये जो सिपाही सरबजीत सिंह है, इनके जो वेयर बोर्ड्स हैं, इनके कुशल क्षेम का जो है वो तुरंत मैसेज हमें दिया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं सरबजीत सिंह के पेरेंट्स के साथ आगे जो है वो समाचार शेयर। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष के दौरान शहादत देने वाले भारतीय वीर सैनिकों के सम्मान में राष्ट्रीय युवा कांग्रेस सचिव नेगी निगम भंडारी की अगुवाई में युवा कांग्रेस ने रिकांगपियो बाजार में कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान नेगी निगम भंडारी ने कहा कि भारत के जिन शस्त्रहीन सैनिकों पर चीनी सैनिकों द्वारा वार किया, उसी की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस पहले भी भारतीय सैनिकों के साथ थी और आगे भी रहेगी। तीन दिनों से लाना चेता खेरी मार्ग बंद होने से किसानों को अपनी फसलें मंडियों तक पहुंचाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। ये मार्ग करीब 30 वर्ष पुराना है, मगर ये मार्ग आज भी कच्ची अवस्था में है। जैसे ही बारिश का सिलसिला शुरू होता है, वैसे ही इस मार्ग में जगह जगह भूस्खलन हो जाता है। कहीं डंगे गिरते हैं तो कहीं पीछे से भारी मलबा आने से मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। ग्रामीणों ने विभाग के प्रति नाराजगी जताई है, उम्मीद है कि विभाग इस मसले पर उचित एक्शन लेगा। दिनों से रोड बंद पड़ा है, पीछे हमारे एसडीओ साहब, लोक निर्माण विभाग जो डिवीजन सब डिवीजन है बोगदार के, वो 20 रोड पे आए थे, उस दिन ये रोड बिल्कुल बंद हो चुका था। उसके बावजूद भी उन्होंने ना तो लेबर भेजी यहाँ पर और ना ही कोई जेसीबी मशीन वगैरह
भाई जी यहाँ लोगों के इतने खस्ते हाल है इस रोड की वजह से कि टमाटर आलू लहसुन सारा खेतों में है और विभाग बिल्कुल कई बार विभाग को सूचित किया जा चुका है लेकिन विभाग कोई भी इस बार एक्शन नहीं लेता। आज रोड बंद हो चुका और डंगा टाली चंद्रोना के टाली के साथ गिर चुका। ये लाना चाहता की सारी फसल लहसुन आलू टमाटर चलने वाला ये बंद है खोरा। इसके कारण अगर विभाग को सूचित किया जाता है कि जल्दी से जल्दी इस डंगे कोई उपाय किया जाए। प्री मॉनसून की बुछारों से सुबह से ही जिला मुख्यालय नाहन में मौसम कूल कूल हो गया। हवाओं के बीच बारिश की बुछारों से अधिकतम तापमान में भी 6 से 7 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है। घने बादलों के बीच जिला मुख्यालय में बारिश के झमाझम दौर से दिन में ही वाहन हेडलाइट जलाकर गंतव्यों को बढ़ते नजर आए। जबकि जिला मुख्यालय नाहन की गलियां जो कि इन दिनों पाइपलाइन बिछाने से खुली पड़ी हैं में चलना भी राहगीरों को कीचड़ के चलते मुश्किल हो गया है। नाहन में आज अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर युवा कांग्रेस ने पांवटा साहिब में जरूरतमंद लोगों को राशन किटें वितरित की। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मनीष ठाकुर की अगुवाई में पांवटा साहिब के बहराल पंचायत से इस कार्य की शुरुआत की गई। इस किट में घर की जरूरत की राशन की सभी चीजें लोगों को मुहैया करवाई गई। प्रदेश अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने बताया कि पूरे दिन ये मुहिम जारी रहेगी।